जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। आज यदुनाथ जी का उत्सव है तथा श्री यमुना जी का भी उत्सव है। फिर डालेंगे एक नजर श्री नाथद्वारा के प्रमुख घटनाक्रमों पर। नाथद्वारा में कोरोना की क्या स्थिति है जानेंगे एक रिपोर्ट में। एक नजर डालेंगे श्री द्वारिकाधीश मंदिर के घटनाक्रम पर। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष छठ है। चतुर्थ गणगौर के तहत आज केसरिया गणगौर श्री जी में मनाई जाती है। सामान्यतः यह शाम गणगौर है, परंतु यदुनाथ जी के उत्सव के कारण श्री जी में केसरिया गणगौर मानी जाती है। सबसे पहले आज की गणगौर की थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। आज श्याम गणगौर है, श्री यमुना जी के भाव की है, अतः इसे घर की गणगौर भी कहा जाता है। नाथद्वारा में आज मेला गणगौर बाग के स्थान पर मोती महल में होता है, परंतु इस बार कोरोना के कारण सभी तरफ प्रतिबंध है, अतः यह मेला आयोजित नहीं किया गया है। आज श्री जी में गुसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव भी है, अतः आज गणगौर काजली अर्थात श्याम के स्थान पर श्री जी में केसरी रंग की मानी जाती है। उत्सव है अतः सेवा क्रम में भी उत्सव जैसे परिवर्तन है। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूछकर हल्दी से मांडा जाता है। आशा पाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। दिन के सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दो समय की आरती थाली वाली की जाती है। प्रभु की भोग सेवा में विशेषतः आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा युक्त बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी को वस्त्रों में केसरी रंग की मलमल का सूथन खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। साज में श्री जी को केसरी रंग की उत्सव की मलमल की रूपहरी किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। पीठिका के ऊपर कमल का काम किया हुआ है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं श्री जी को श्रृंगार में आज वनमाला का चरणार विंद तक भारी श्रृंगार धराया जाता है। मानक एवं जड़ाव के सभी आवरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर केसरी रंग की कूले पर मानक का पान एवं सुनहरी घेरा एवं बाई ओर शीश फूल और उत्सव की मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कर्ण में मानक के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि सभी मालाएं धराई जाती हैं। चैत्री गुलाब के पुष्पों की सुंदर वनमाला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी मानक के वेणु जी एवं दो वेत्र जी जिनमें एक सोने के होते हैं धराए जाते हैं। पट पीला गोटी श्याम मीना की व आरसी श्रृंगार में पीले खंड की तथा राजभोग में सोने के डंडी वाली दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आवरण बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे आवरण धराए जाते हैं। कूले रहते हैं, आज लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। वहीं श्री जी की राग सेवा में मंगला में आवल ललन पिया रस भरे, राजभोग में आज की बानक लाल बलबल श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में लाडले लाड़ की वंदिश कहिन, शयन में मोपे आज की बानक कहिन, पौड़वे में राग गिरधरन संग राधिका कीर्तनों का गान किया जाता है। शेष सब नित्य क्रमानुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों आज 29 मार्च 2020 के नाथद्वारा एवं राजसमंद के प्रमुख घटनाक्रमों पर एक नजर डाल लेते हैं। तीन प्रमुख विषय हैं, गणगौर, मानवता एवं कोरोना।
यह श्रीनाथ जी मंदिर स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक के बाहर के दृश्य हैं, जहां आज पूर्ण विधि विधान एवं राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार गुलाबी गणगौर की पूजा की गई। आप भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। यह प्रभु श्रीनाथ जी का सखड़ी का महाप्रसाद है, जो मोती महल परिसर में रखा हुआ है और नगर पालिका के वाहन में रखकर वंचितों को वितरित करने के लिए भेजा जा रहा है। प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा एवं तिलकाश्री के आशीर्वाद सभी का भला करेंगे, लेकिन जो दृश्य हमें दिख रहे हैं वह थोड़ा विचलित कर रहे हैं। कोरोना आयातित वायरस है और इससे बचाव का रास्ता है एक सुरक्षित दूरी आपस में रखना। हमारे लिए सभी की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसका ध्यान रखें। काफी लोगों को इससे राहत मिल रही है, सुनिए। जो गरीबों में जहाँ बिल्कुल खाने को व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, और प्रसाद आज थोड़ा ठीक मिला है, सकड़ी का प्रसाद भी अच्छा मिला है यहाँ से आज, तो हो सके कि लोगों के गरीबों के मुंह में आ जाएगा और सबका पेट भरण पोषण हो जाएगा। तिलकाश्री की आज्ञा से खर्च भंडार में पेटिये भी तैयार होकर वितरित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं खर्च भंडारी जी ने क्या कहा। मंदिर मंडल की तरफ से असहाय लोगों के लिए श्रीमानों की आज्ञा से 50 पेटियां रोज दिए जा रहे हैं। उसमें एक पेटिया के अंदर 750 ग्राम आटा, 100 ग्राम दाल और 10-10 ग्राम हल्दी मिर्च, 30 ग्राम नमक, ये सब को रोज 100 पेटियां 50 पेटियां रोज की तरफ से दे रहे हैं। श्री जी का प्रसाद हो या अनाज के किट, नगर पालिका भी अपना फर्ज पूरी तरह निभा रही है। सभी सामग्रियों को एक स्थल पर इकट्ठा करके उनको इस तरह से पैक कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। निश्चित ही नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। प्रसाद भेजा जा रहा है, उसकी पैकिंग करके बाहर से पलायन करने वाले व्यक्ति को लालबाग चौराहे के आसपास दिया जाएगा। मचाओ के द्वारा काफी सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग से हम ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नगर का अहिल्या कुंड है। यहाँ पर अहिल्या कुंड मित्र मंडल एवं बालाजी सेवा समिति मिलकर लोगों को जो वंचित हैं उनको तैयार भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके तहत ये संस्थाएं लगभग 500 पैकेट रोज बनाकर वंचितों को प्रदान कर रही हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं इस बारे में। ये जो आज कोरोना की महामारी चल रही है, क्या वो हिसाब से हमारा समिति का उद्देश्य, श्री बालाजी सेवा समिति का उद्देश्य है कि जितने भी बन सके जन सहयोग से, समिति के सदस्य के सहयोग से ये पूरी और सब्जी का वितरण हम लोग प्रहलाद जी सनाडी के नेतृत्व में ये कर रहे हैं। देंगे सुबह की टाइम, और टोटल हमारा 500 पैकेट का टारगेट है। 50 किलो आटे की रोज पूरी बनवा रहे हैं, आज कल से चालू कर दी 28 तारीख से। यह नगर के पुलिस अधिकारी की गाड़ी है, जो नगर में भ्रमण कर स्थिति पर बराबर नजर बनाए हुए है। साथ ही पुलिस बल भी पूरी तरह से चौकस एवं तैयार है, वह बाहर आने वालों को समझा बुझा कर वापिस घर पर भेज रहे हैं। आम जन भी वैसे तो सहयोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा नगर के पार्षद तथा अन्य राजनीतिक व्यक्ति एवं सामाजिक संस्थान भी लोगों को राहत पहुँचाने के लिए खाद्य सामग्री आदि का वितरण कर रहे हैं। लेकिन कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि गरीबी की परिभाषा भी बदल दी गई है। दोस्तों यह दृश्य थोड़े विशेष हैं। युवा हैं प्रिंकेश जैन, भास्कर जैन, महेंद्र गोरवा आदि। इन्होंने अभी तक 2000 मास्क निशुल्क वितरण कर दिए हैं। आज ये सभी युवा वार्ड नंबर 11-12 में वहाँ के पार्षद नटवर मीना के साथ में मिलकर मास्क का वितरण कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। दोस्तों अब एक विशेष सूचना, यह जो तस्वीर में युवा आपको दिख रहे हैं यह सभी आरके हॉस्पिटल कांकरोली के हैं। ये युवा सभी को संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए घर में रहना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन समाचार यह है कि राज्य के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कांकरोली के इस आरके अस्पताल को केवल कोरोना का उपचार करने के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जबकि सामान्य रोगों के लिए ओपीडी अन्य निजी अस्पतालों में स्थानांतरित कर दी गई है, जहां निशुल्क उपचार करवाया जा सकता है। आज तक तो नाथद्वारा राजसमंद सुरक्षित हैं।
लेकिन भीलवाड़ा से आए एक शिक्षक के यात्रा का विवरण समाचारों में आने पर हड़कंप सा मचा हुआ है। लेकिन इस सबके बीच सेवा का कार्य तो जारी ही है। यह दृश्य द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के हैं, जहां से निरंतर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। कोरोना का बढ़ता प्रभाव, सेवा तथा व्यवस्था, इस प्रकार बीता राजसमंद नाथ द्वारा का पांचवा दिन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब, कीर्तन समाज नागपुर से साबा। जय श्री कृष्ण।